हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल की नई वीडियो में, जिसका नाम है मोनोवाइट फाइटर मांझा रिव्यू, रियल और फेक, बाय और नोट कंपैरिजन। सो गाइस, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में। आज हम आपको फुल रिव्यू करने वाले हैं मोनोवाइट फाइटर मांझा का, कि आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, असली नकली कैसे पहचाने वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो जरूर देखते रहें। तो चलिए ये गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन हैं, आपको अलग अलग मांझों के बारे में तो पता होगा, उनमें से ही एक है मोनोकॉइड फाइटर का सुप्रसिद्ध मांझा। सो गाइस, ये जो मांझा है ये बहुत ही बढ़िया मांझा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इसमें असली नकली कैसे पहचाने, तो इसकी जो पहली निशानी है वो ये है कि जो इसका गट्टू होता है वो लंबा वाला गट्टू होता है। अगर कोई आपको छोटे वाला गट्टू दे, कोई दुकानदार आपको छोटे वाला गट्टू दे, तो इसकी यही निशानी है कि वो जो गट्टू है वो बिल्कुल डुप्लीकेट गट्टू है, वो बिल्कुल भी ओरिजिनल गट्टू नहीं है। इसकी अगली निशानी है कि ये डोर बहुत ही पतली होती है, इसमें जरा सा भी स्ट्रेच नहीं होता और कंच पूरा तीखा होता है। अगर गट्टू खुला हुआ हो और आप उसे हाथ लगाकर देखें, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो डोर हो वो पतली हो, स्ट्रेच ना होती हो और बहुत ज़्यादा कंच हो। ठीक है गाइस, आप इसका भी ध्यान रखें। तो ये तो बात होगी असली और नकली की। अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस क्या होगी। तो दोस्तों, इसकी जो प्राइस होगी वो होगी आधा किलो की 450-500 के करीब। आपको ये बाज़ार में कहीं से भी 450-500 के करीब मिल जाएगा। आप इसे कहीं से भी 450-500 के करीब खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डोर कैसी है। दोस्तों, डोर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने खुद यूज़ की हुई है, ये बहुत ज़्यादा पतंग काटती है। तो मैं आपको यही ओपिनियन दूंगा कि अगर आप कोई डोर खरीदना चाहते हैं तो आप वो मोनोकॉइड फाइटर खरीदें, बहुत अच्छी डोर है।